यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो यहाँ पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। तो मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एमपी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी लोग एमपी व्यापम का पेपर दे चुके थे बट आफ्टर एग्जामिनेशन पेपर कैंसिल कर दिया गया था, तो यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही होम स्क्रीन जो स्क्रीन है यहाँ पे होम पेज है ओपन हो गया है। तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम शेड्यूल में जाना होगा। तो एग्ज़ाम शेड्यूल में जाके आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस टेस्ट को लेके। तो जो टेस्ट अभी रिसेंट में क्या हुए थे, कैंसिल हो गए थे, उनकी टेंटेटिव डेट आ गई, दैट मीन्स कि आपका एग्ज़ाम इस डेट में हो सकता है। तो जिन भी लोगों ने पेपर दिया हुआ था एमपी व्यापम कोड के था, जिसमें नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग ट्यूटर, स्टाफ नर्स, अलग अलग पोस्ट थी नर्सिंग की, तो यहाँ पर फिर से एग्ज़ाम होने वाला है उनका। ये देखिए आप लोग जो एग्ज़ाम कैलेंडर, यहाँ पे आप एग्ज़ाम शेड्यूल से जाके सीधा एग्ज़ाम कैलेंडर ओपन होता है 2021 के लिए। तो जो एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं, जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उनकी डेट है जो शेड्यूल कर दी गई है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, ग्रुप फाइव का जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि कहा गया था कि एग्ज़ाम है जो लीक हो गया है आई थिंक। तो प्रश्न पत्र है तो के प्रश्न पत्र जो कोड था, क्वेश्चन पेपर कोड के रखा गया था, वो नर्सिंग वालों के लिए रखा गया था। तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था जिसमें वैकेंसी निकाली गई थी, तो वो आपका एग्ज़ाम होगा 23 और 24 दिसंबर 2021 को पेपर आपका हो सकता है, टेंटेटिव डेज दी गई है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट था। अब बात की जाती है कि क्या जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिलअप किए थे उनको दोबारा से फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, या फिर जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो उनका, तो जिनने पेपर दिया था तो पेपर देने का अब कोई मतलब ही समझ नहीं आता, क्योंकि आपका पेपर कैंसिल हो गया था, आफ्टर एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया था, बट आपकी दोबारा से आप पेपर देंगे जो 23 और 24 दिसंबर 2021 को हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि अब क्या होगा। तो जिन भी लोगों को ये डाउट है कि फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या और कुछ नई चीज़ें वो होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि गलती आपकी तरफ से नहीं हुई है इस बार, सीधे गलती हुई थी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। इन्हीं ने क्लियर कहा था कि जिन लोगों ने पेपर दिया है अब वो मान्य नहीं होंगे। तो अभी ऐसा नहीं कहा गया कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाए जाने हैं कुछ भी, तो अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। बट यदि इनकेस फिर से फॉर्म भरवाए जाते हैं तो हो सकता है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस ना लगे। तो जिन भी लोगों का पेपर होगा वो कब हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका दिसंबर में। यहाँ पे 6 नंबर में देखिए समूह 5 भर्ती परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र हेतु पुनः परीक्षा, दोबारा से एग्ज़ाम होने होगा 23 और 24 दिसंबर को। एंड देन वन मोर थिंग कि जिन भी लोगों को क्वेश्चन पेपर एमपीपीवी के पेपर चाहिए हो तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जिन भी लोगों को लगता है कि आपको ऑफिशियल पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो इसी वेबसाइट में आपको जाके क्या करना है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे आप, तो यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट देखना होगा। तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है यहाँ से आपको पेपर हैं जो मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि आई थिंक जो पेपर था वो 2015 का था। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट परीक्षा वाले पेपर, सभी पेपर इन्होंने अपडेट कर दिए हैं। तो यहाँ से आप उन पेपर को है जो डाउनलोड कर सकते हैं। रहा स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि 2013 का पेपर है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा पूरा पेपर जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था एग्ज़ाम के पहले, ओरिजिनल है, रियल है, फेक है, क्या है, तो ये सभी यहाँ पे आपको। बट इस बार क्या हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो वो सभी पेपर भी ऑलरेडी चैनल पर अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप वो पेपर भी देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जिन भी लोगों को ये डाउट हो कि किस तरीके से अब पेपर होगा, तो वो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, तो वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और यदि जिन भी लोगों को लगता है कि और किस तरीके के पेपर आएंगे कुछ भी, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे पेपर, आप देख लें। रूल बुक आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो जिन भी लोगों ने जो टेस्ट हुआ था, रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था नर्सिंग वालों के लिए,
तो यहाँ से आपकी रूल बुक के अकॉर्डिंग और कुछ भी जो आपके डाउट्स रहे हों सभी आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको नया एग्ज़ाम शेड्यूल अच्छा लगा हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। जिन लोगों के पेपर बिगड़ गए थे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो आप लोग इस बार जिन भी लोगों ने पेपर दिए थे वो पेपर एक बार फिर से रीचेक कर लें, आपके पास ऑलरेडी होंगे, आपने अपनी आंसर की चेक की होगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।